तो हे गाइस, वेलकम टू डे 28 ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो हमारे रूम पार्टनर 20 के सेलिब्रेशन का वेट कर रहा था, तो फिर हम दोनों जाके आइसक्रीम खाते हैं और केक लेकर घर आ जाते हैं। कह रहे थे कि पिछली बार केक पे 10K लिखा हुआ था, तो फिर केक को हम खुद से डेकोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सजाने के लिए हम अपने बटुए से 20 रुपए निकाल और कैंची और पेपर लेते हैं। तो पेपर काट के हमने के लिख दिया और कुछ इस तरह हमने 20K का केक तैयार कर लिया और केक काट के हम दोनों मिलके खाते हैं। सो गाइस, आज हमारे पूरे 20K से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, एंड थैंक यू यार इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। आई नो दैट ये 20K अगर हम किसी बड़े यूट्यूबर से कंपेयर करें, इट्स नथिंग, बट हमें खुद को किसी से कंपेयर करे बिना अपने जिंदगी की छोटे छोटे खुशियों को इंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। तो फिर हम जल्दी से सोने जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सके। सुबह उठ के देखा तो कपड़ों का हालत कुछ ऐसा पड़ा हुआ था, कमरे के हर कोने में कचरे पड़े हुए थे और हर चीज पे धूल भी लगे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक हफ्ते से हम अच्छे से सफाई नहीं कर रहे थे। अब कुछ दिनों से मुझे सारे कपड़े नजर नहीं आ रहे थे, तो जब बेड के नीचे देखा तो सारे कपड़े वहीं पड़े हुए हैं। तो हम सारे कपड़े निकाल लेते हैं और पूरे कमरे को साफ कर देते हैं और थोड़ा रूम फ्रेशनर भी छिड़का देते हैं। इतने सारे कपड़े देखकर मेरे सर भी चकरा रहा था क्योंकि आज सफाई करने का दिन है। अब एक दिन में तो हम इतने सारे कपड़े धो नहीं सकते, तो फिर हमने सारे कपड़े अलग कर दिए ताकि हम संडे मंडे ट्यूजडे करके थोड़ा थोड़ा करके धो सके। अब कपड़ों को थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं ताकि जल्दी से मेल निकल जाए। तो आज मैं जल्दी इसीलिए उठा था, कल एक्स्ट्रा क्लास की वजह से जो मूवी हम देख नहीं पाए थे वो अभी हम देखेंगे। तो ये मूवी मुझे अंडमान वालों ने रिकमेंड किया है। तो मूवी को देखने से पहले हम IMDb पे रेटिंग देखते हैं और इसका रिव्यू देखते हैं। तो IMDb पे इस मूवी का 8.7 रेटिंग है। ये मूवी एक UPSC एस्पिरेंट पे बेस्ड है और इसको स्मिता सिंह ने डायरेक्ट किया। और जब ऑडियंस की भी काफी अच्छा रेटिंग है तो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस कहानी का मेन किरदार एक एस्पिरेंट ही होता है और इस मूवी को देख के काफी कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी में रूरल एरिया और गाँव की प्रॉब्लम दिखाया है और ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम करता है और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें काफी ज्यादा इंस्पायर भी करता है। और जो लोगों को टाइम मिलता है कभी पढ़ाई से, तुम जाके इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को देख कर भी बहुत कुछ सीख सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाके इस मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को प्रमोट करने का मकसद, मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छा राइटर और डायरेक्टर आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इन सोशल इश्यूज को आगे रखें। और हमारे समाज में ऐसे लोगों की ही जरूरत है जो इस सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन की इश्यूज को आगे लाके रख। तो मूवी को भी 2x में सबटाइटल के साथ कंप्लीट करके हम कपड़े धोकर जल्दी से सुखाने के लिए रख देते हैं। तो कपड़े धोते होकर पहने हुए कपड़े भी भीग चुके थे। जब हम हमारे डिजिटल क्लॉक को देखते हैं तो इसका बैटरी पूरा खत्म हो चुका था। तो फिर हम हर कमरे में बैटरी ढूंढने लग जाते हैं और हमारे रूम में जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र थे उनकी बैटरी चेक करते हैं, लेकिन हर जगह बड़ा वाला सेल देखने को मिलता है। अब एक सेंटरफ्रूट मिलता है तो उसी को खाते खाते हम पटने बैठ जाते हैं और सुबह मुझे ये छोटा वाला टाइमर मिल जाता है। हम हमारे रिविजन सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज कोई क्लासेस नहीं है, आज सिर्फ हमारे एक क्लास पड़ा हुआ है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो इस सेशन में इस वॉल पे लिखे टू डू लिस्ट को फॉलो करते हुए हमारे सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं और इनके साथ साथ इस हफ्ते में मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मैं उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी कर लेता हूँ। और जिस दिन हम फ्री होते हैं हम उस दिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रीलिम्स की किस तरह तैयारी करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एक्ट एज ए गाइडिंग लैंप फॉर दिस एग्जाम, जिसके लिए आप ओसवाल बुक्स की ये 28 ईयर के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर को आप इससे रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर किया हुआ है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो और साथ ही साथ जो आंसर कीज दिए हुए हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें GS और CSAT के दोनों पेपर सॉल्व है। जैसे इसमें एंशियंट इंडिया के छोटे छोटे टॉपिक से पूरे 28 साल में प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब दिया हुआ है। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सेट नहीं है, तुम ओसवाल बुक के इस टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर बुक को परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हो। और अगर तुम में से किसी को भी परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां से जाके परचेस कर सकते हो। हमारे ये सेशन कम्प्लीट होने के बाद ब्लिंकिट से हमारा एक ऑर्डर पहुंचाता है। वहां से हमने ये बैटरीज ऑर्डर किए थे, लेकिन गलती से हमने बड़ा वाला बैटरी ऑर्डर कर दिया था। तो फिर हमने ब्लिंकिट वालों को कॉल किया और रिक्वेस्ट किया रिप्लेस करने के लिए, लेकिन वो लोग माने नहीं। अब इसको घर पे रख के क्या करता, तो हम दुकान वाले को लेने कहते हैं, ये कोई लेगा ही नहीं, तो वो भी मना कर दे। तो मायूस होकर हम घर वापस आते हैं और अपने पॉलिटी की आज एक्स्ट्रा क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो फिर मैं अपने पॉलिटी के सेशन को कम्प्लीट करता हूं। और जो लोग इस ब्लॉग को सुबह पहले देख रहे हैं वो उठ के पटने बैठ गए होंगे, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, न बीते हुए कल के बारे में सोचना, न आने वाले कल के बारे में सोचना, बस अपने आज के दिन को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। तो गाइस, तुम लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम इस लंबे सफर में जुड़े रह सके। तो जब फिर हम कल की व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।